हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हरवीन ब्लॉग्स। और ये है रमज़ान डे टू। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शाहिदा खान आमिया और हम नानी जान के घर रुके हुए हैं, तो रमज़ान डे टू भी इधर जाएगा, थ्री शायद मेरे घर में ही हो। ओके, तो अभी रमज़ान चल रहा है। कल का आप लोग ने व्लॉग देख लिया था, बहुत सारे लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को मेरा बनाया हुआ इंट्रो, मतलब मैंने तो नहीं बनाया, मेरे बाबा ने बनाया वो इंट्रो, वो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा आप लोग। और कल का व्लॉग भी, तो आज रमज़ान डे टू है और अभी टाइम क्या हो रहा है मैं बताती हूँ। ओके, 1:03 हो रहे हैं और अभी सहरी में टाइम है बहुत ज़्यादा, तो जब सहरी होगी तब मैं आपसे मिलती हूँ और आप बताइएगा। और इस बार भी मैं पूरी 30 डेज़ की रमज़ान की सीरीज़ करने वाली हूँ, और जब मेरी रमज़ान की पूरी सीरीज़ हो जाएगी, ये है हरी ब्लॉग्स रमज़ान सीज़न 2024। ठीक है, तो जब मैं ये सीरीज़ अपनी पूरी कर लूँगी तो मैं फिर आपसे लास्ट में पूछूँगी कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगे। ठीक है, तब मैं आपको सहरी के वक्त मिलती हूँ। फाइनली मैं उठ चुकी हूँ और अब सहरी का भी टाइम हो चुका है, तो मम्मा अब सहरी में आ रही है और मैं सहरी करने जा रही हूँ और देखती क्या क्या बन रहा है सहरी में। पहले ब्लॉग ये मेरी सहरी है, मैंने बपर अच्छा अंडा नहीं खाती, तो मैंने कहा कि कल की जो बिरयानी में वो ही खाऊंगी। ठीक है, और ये लस्सी पी रही हूँ मैं, लस्सी आज नहीं बनी है, बाकी बहुत चीज़ें थी लेकिन मैंने कहा कि मैं यही खाऊंगी। ठीक है, मुझे इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद पता नहीं, मैंने कल पहला रोज़ा रखा उसके बाद मुझे इतनी नींद आ रही है। अभी मैं सोकर उठी हूँ, फिर मुझे बहुत नींद आ रही है, पता नहीं मैं नमाज़ पढ़ पाऊँगी। वैसे मैं नमाज़ तो अपनी पूरी रख लूँ, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है। अब तो पहले हम अपनी जल्दी से पहले सहरी कंप्लीट करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आराम से। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और मैं उठ चुकी हूँ अभी, एंड अभी टाइम हो रहा है 1:49 हो रहे हैं अभी, एंड मैं उठ चुकी हूँ एंड और मैंने अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है और अब मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ और इसके बाद मैं यासीन शरीफ पढ़ूँगी। ठीक है, और मैंने सहरी के बाद व्लॉग नहीं बनाया था, मैं अब बना रही हूँ व्लॉग, तो क्योंकि और आज मेरी हेयर स्टाइल कुछ अलग है, मैं कर्ल कर रही हूँ, तो मैंने इस तरीके से बन बांधने में दो। ठीक है, और मैं जब से नमाज़ पढ़ लूँ, अगर मेरे सर में दर्द होता है, मुझे भूख की लगती है, तो मैं अल्लाह के अल्लाह ताला का इतना करीब आ चुकी हूँ कि मुझे इतना अच्छा फील होता है, मतलब मेरे कभी भी सर में दर्द होता है ना, मैं अल्लाह ताला का नाम लेती हूँ, कुछ पढ़ती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं 33 टाइम्स सुभान अल्लाह पढ़ती हूँ, फिर वो 33 टाइम्स अल्लाह अकबर पढ़ती हूँ, फिर 33 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ। तो ये चीज़ आप लोग भी पढ़ें, तस्बीह पढ़ें और यासीन शरीफ पढ़ें और सारी नमाज़ें पढ़ें। तो मैं 3 वक्त की नमाज़ तो पढ़ती हूँ, अगर ज़्यादा 3 वक्त की नमाज़, तरावी और ये सब मैं पढ़ती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और अब मुझे कल थोड़ा सा रोज़ा लग रहा था, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि अब तो हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैं जा रही हूँ, अभी तैयारियाँ कुछ इतनी खास नहीं, जब होने लगी तब मैं आप सब सीखती हूँ। गाइस, अब थोड़ी बहुत तैयारियाँ अभी शुरू हो चुकी हैं और अब बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, प्लीज़ मेरे बालों को माइंड नहीं करिएगा, क्योंकि मुझे आजकल ऐसी क्यूट क्यूट सी हेयर स्टाइल बनाना बड़ा पसंद है। तो आज हमारी मम्मा की सबसे सबसे फेवरेट मेरे हाथ के मम्मा के हाथ के डिश मोंगफ्लॉन्ग नीचे फ्रूट्स, और ये देखो यहाँ बन रहे हैं, और यहाँ पर भी फुल तैयारियाँ चल रही हैं अफ्तार के लिए। ये क्या उबल रहा है, चिकन, ये फुल जोरों शोरों से मम्मा लगी हुई है, यहाँ पर भी पक रहा है, यहाँ पर भी हर जगह बस पक ही रहा है। कल इसमें भी काम करूँगी, चलो मम्मा मैंने भी काम करा। सिर्फ मैंने हाथ लगा के बोला काम कर लिया, वो खुद ब खुद वो उठा उसमें से, मतलब मैंने अंदर रखा था ना, खुद ब खुद उठा यार, बहुत भागो। आपका बाप तैयार है, और यहाँ पर फिर से सेट हो गया, अभी शुक्र नमाज पढ़नी है और यहाँ पर फिर से चीज़ें लगना शुरू हो गई। यार ये क्या है, ओ वाह, खजूर का कितना इतना माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है यार, सच में। तैयारियाँ हो चुकी हैं, इसके नीचे वॉन्ग टोंग है एंड शीट वगैरह इसके नीचे वो है, और तैयारियाँ हो रही हैं इधर, तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, मुँह में पानी आ गया देखो। मेरी माँ का हाथ, अम्मा खाना पकाए, ये देखो ये हमने बनाया है मेरे घर में,
मैं तेन से नाइन जन के घर में तुम्हें से कुछ बना बन ये बना दिया हो गया गाइस। सामान तो अभी बन रहा है नगेट। हमारी फुल हफ्ता ही तकरीबन मैं आपको दिखाती हूँ। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में जितने भी लोग हैं वो सब आने रोज़ा खोलने के लिए आते, तो आज एक दावत टाइप है रोज़े की। मैं आपको पहले हफ्ता ही दिखाती हूँ। वजह से दो दफा दो दो उसमें लग रही है, क्या लग रही है, क्या चलो हमारी वाली है और एक उधर लग रही है। रोज़ा अफ्तार हो गया है और अब मैं चिल हो चुकी हूँ और मैंने अभी बहुत सारा खाना खा लिया सही। और आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस तरीके से ही रमज़ान की सीरीज चलती रहेंगी, बरकरार होती रहेंगी। और अगर आपको मेरी सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। विच इज़ हरी व्लॉग्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।